जड़ी बूटियां वनस्पतियां हमें देती हैं नया जीवन, और आज हम एक और पौधा जिसका हम सदियों से प्रयोग करते हैं सब्जी के रूप में, साग के रूप में, ऐसे पौधे के विषय में करेंगे हम चर्चा। इसको बोलते हैं हम बथुआ, इसको इंग्लिश में ऑल गुड बोलते हैं, सब कुछ अच्छा, और यदि बॉटनिकली चेनोपोडियम एल्बम बोलते हैं, और संस्कृत में वास्तुक हम इसको बोलते हैं, क्षारपत्र बोलते हैं, और गुजराती में चील टांको भी बोलते हैं, और बंगाल में बथुआ साग या चंदन वेटू भी बोलते हैं, और मराठी में जिसको चाकवत हुआ चिविल भी बोलते हैं, और तमिल में जिसको पारू पुक्कुराई बोलते हैं, और इसकी दूसरी प्रजाति है चेनोपोडियम ओलिडम। ये दो प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है प्रायः, जो हम साग के लिए प्रयोग करते हैं उस बथुए का जो नाम है वो चेनोपोडियम एल्बम ही हम यूज़ करते हैं, इसको हम बथुआ बोलते हैं। इसके अंदर बहुत क्षार होता है, प्रायः जितने पौधों के अंदर क्षार होता है उनमें से सहज रूप से इसके अंदर बहुत ही क्षार होता है, इसलिए संस्कृत में हम इसको क्षारपत्र बोलते हैं, और इसको शाकवीर भी कहा गया है, और हिममोचिका भी कहा गया, इसको चिल्ली का या चिल्ली भी कहा गया, तो चिल्ली का कह करके हम बथुआ को संस्कृत शास्त्र में जानते हैं, और प्रायः जो प्रचलन में नाम है उसका नाम है वास्तुक, वास्तुक मतलब बथुआ। तो ये जो बथुआ है यह साग के रूप में पूरे देश में खाया जाता है, और इस बथुए को प्रायः ऐसा देखने में आता है हम लगाते नहीं हैं, ये लगाते नहीं हैं, जैसे गेहूं का खेत जब गेहूं बो देते हैं तो गेहूं के बीच बीच में ये बथुआ भी अपने आप उग आता है, तो ये बेचारा कहीं पर भी किसी भी खेत में प्राकृतिक रूप से भी अपने आप होता है ज़्यादातर, और बथुए की साग हम बहुत ही शौक से सभी लोग सेवन करते हैं। तो ये क्योंकि इसके अंदर बहुत क्षार होता है, क्षार होने की वजह से जो ये बथुआ है वह अत्यंत लाभकारी है आपके पथरी के लिए, जिसको पथरी की बीमारी हो उस पथरी के रोगियों को आप बथुए का साग या ये कोमल पत्तियों को टहनियों को, जैसे इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं अभी क्योंकि ये थोड़ा सा पकने की स्थिति पर है, तो इसको पीस करके 10-15 ग्राम रस को चाहे तो पानी मिला करके चाहे सीधा सुबह खाली पेट पिला दें, शाम को भी खाली पेट दे दें, उससे पथरी टूट जाती है, अत्यंत लाभकारी है आपके पथरी के लिए। किडनी स्टोन में 12 mm तक के स्टोन निकले हैं, और इस बथुए की जो विशेषता है उस पथरी के अंदर यदि आप लगातार पिला देते हैं बथुए का लगभग 10 ग्राम रस आप निकालें, 10-15 ग्राम रस को चाहे तो पानी मिला करके चाहे सीधा सुबह खाली पेट पिला दें, शाम को भी खाली पेट दे दें, उससे पथरी टुकड़े हो जाते हैं। पथरी होने में कारण है पेशाब को रोकना, कम पानी पीना या प्रदूषित जो आहार का सेवन करना, यदि आप आहार में ध्यान दें, खाने पीने में ध्यान दें, पानी ज़्यादा पिएं, पेशाब को ना रोकें, तो इससे भी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कहीं कहीं कैल्शियम वगैरह की ज़्यादा मात्रा होती है, या इस तरह के पानी के अंदर भी जहाँ दोष होते हैं वहाँ पर पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उन जगहों पर आप बथुए का साग का सेवन करें, बथुए के साग का रस निकाल करके आप लगातार पिला दें, पिलाने से पथरी होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह मूत्रल भी है, जिनको मूत्र संबंधी बीमारी है आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो बथुए को बहुत ज़्यादा दीपक माना गया है, बहुत ज़्यादा पाचक माना गया है, ये बथुआ कृमिनाशक भी माना गया है आयुर्वेद के अंदर, और मूत्र शोधक भी माना गया है। और आयुर्वेद में सारे लोग पूछते हैं कि हमें बुद्धि बढ़ाने के लिए किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, तो बथुए के साग को बुद्धिवर्धक माना गया है, तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए आप बथुए का साग, हालांकि जैसे वात के जो रोगी होते हैं प्रायः साग का निषेध करते हैं, या किडनी के जो रोगी हैं उनको भी हम साग का निषेध करते हैं, तो उनमें भी यदि किडनी के रोगियों को हम बथुए का साग नहीं, किडनी के रोगियों को बथुए का जो ये बीज है, बीज का काढ़ा देने से किडनी में बहुत लाभ होता है, और इसी तरह से दूसरे जो वातज रोग हैं जिनमें दर्द और सूजन है उन रोगियों को भी हम बथुए का साग बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही आनंद के साथ खिला सकते हैं। तो जो बथुए का साग है आप निरापद रूप से
ले सकते हैं जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है। और हमने यहाँ तक देखा कि बथुए के साग को स्टीम कर करके, यानी आप भाप में उबाल करके यदि उस बथुए के साग को पुलटिस बांध देते हैं तो इससे सूजन में भी एकदम लाभ हो जाता है, दर्द में लाभ होता है। यदि आपको दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, कुछ औषधि नहीं है, तो आप बथुए को लाइए तोड़ करके और आप पुलटिस बना करके स्टीम कर करके गर्म करके बांध लीजिए, तो उससे आपको सूजन में तुरंत लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से यह वायु शामक भी है और सूजन के रोगियों के लिए यह विशेष है। और सूजन के लिए यदि मैं बात करूं, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या जिनको आर्थराइटिस है, जिनको गाउट है, किसी भी तरह की सूजन हो, और सूजन में भी खास बात यह है कि चाहे बाहर की सूजन है, बाहर की सूजन जो हमें दिखाई देती है, जैसे हमारे शरीर में, पैरों में, हाथों में, चेहरे पर, कभी आँखों के नीचे, इस तरह की जो सूजन होती है, उस सूजन में भी आप बथुए के साग का सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ सूजनें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे हमारे लीवर में सूजन हो, इंटेस्टाइन के अंदर सूजन हो, चाहे हमारे पेट में सूजन हो, चाहे और कहीं भी, कभी कभी माताओं बहनों यूट्रस और ओवरी में सूजन हो, उन सभी सूजन को दूर करने के लिए आप बथुए के साग का सेवन कर सकते हैं। और जो जॉन्डिस के रोगी हैं, गिलोय को कूट करके गिलोय का रस और बथुए का रस, टेलिस्पोरा इंडिका जिसको गिलोय को बोलते हैं, और ये चेनोपोडियम एल्बम को हम बथुआ बोलते हैं, चेनोपोडियम एल्बम और टेलिस्पोरा इंडिका, इन दोनों का जो रस है, दोनों रसों को हम कूट करके, दोनों पौधों के रसों को निकाल करके, यदि हम लगभग 25-30 ml रस यदि सुबह शाम पिला देते हैं, तो जो एनीमिक हैं, जिनको जॉन्डिस है, जिनको पीलिया है, उसमें तुरंत इससे लाभ पहुंचता है। तो पीलिया के लिए भी यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयुक्त है। इसके जो दोष है, वह दोष भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके अंदर जो बथुए का साग है, वह गर्भिणी स्त्रियों को, जिन माताओं बहनों को गर्भ है, तो गर्भिणी स्त्रियों को, माताओं बहनों को बथुए साग का हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया है। निषेध इसलिए किया गया है क्योंकि यह गर्भघाती इसको माना गया है, गर्भस्राव करने वाला माना गया है। परंतु उसका एक दूसरा गुण भी है, जब यह गर्भस्राव करने वाला है तो निश्चित रूप से इसका जो दूसरा जो गुण है, जो बहुत ही हमें विचार करना चाहिए, वह गुण है कि यह बथुआ मासिक धर्म को खोला है, का पीरियड रुका हुआ है। उन माताओं बहनों को बथुए के बीजों को मोटा मोटा कूट करके उसमें थोड़ा सा आप सौंठ को मिला सकते हैं, बथुए के बीजों को पाउडर करके लगभग 15 से 20 ग्राम लगभग, यदि आप उसको 400 ग्राम पानी में उबालें, उबाल करके और उसको पिला दें सुबह शाम, तो जिन माताओं बहनों को पीरियड नहीं होते हैं, खुल करके नहीं आते हैं, उनके लिए बथुआ बहुत ही कारगर है। उसमें थोड़ा सा आप सौंठ को मिला सकते हैं, सौंठ मिला देने से वो बहुत ही लाभ करेगा। तो यह पीरियड को ठीक करने के लिए, जब पीरियड के समय पर माताओं बहनों को दर्द होता है, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बथुए के बीज आप लाएं और लगभग वही 10 ग्राम की मात्रा में आप इसको उबालें, उबाल करके काढ़ा बनाएं। काढ़े का अर्थ ये होता है कि जितना हम जल डालें उसका 1/4 रह जाए, उसको उबाल करके आप पिएं, तो वह काढ़ा लाभकारी है। उनको जब दर्द हो रहा हो पीरियड में, बथुए का काढ़ा बना करके सुबह शाम पी लो, एक दिन में 2-3 बार पीने से ही आपके दर्द में एकदम आराम हो जाएगा, पीरियड खुल करके जैसा नॉर्मल पीरियड होना चाहिए वह हो जाएगा। तो मेरी माताओं बहनों के लिए यह एक बहुत ही देव तुल्य यह औषधि है, यह वनस्पति है। यह वास्तव में आप प्रयोग कर करके देखिए। दवाई जो पैकेटों में है, सुंदर डिब्बों में है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती हैं, वही दवाई नहीं होती, वो तो आपके लिए जहर भी हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकती है, ये तो ज़्यादा कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, अपितु यह गुण करने वाली वस्तु है। इसीलिए हम इनके गुणों को समझ करके इनका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। दूसरा, जब डिलीवरी होनी होती है, बच्चा होने को होता है, कई बार बहुत समस्या होती है, कई बार बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, उस सारी स्थितियों पर आप 2 तोला बीज यानी 20-25 ग्राम बीज को उबाल करके, थोड़ा गुड़ डाल करके उबालें और थोड़ा सा उसमें आप अजवाइन मिला दें। बथुए का बीज 20 ग्राम और अजवाइन हो 3-4 ग्राम और उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके ओटा करके और उसका काढ़ा बना करके पिला दें। उसको पीने से जो गर्भवती माताओं बहनों के बाद में जैसे शरीर में से जिसको पैर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो छोड़, जेर जिसको बोलते हैं, जेर जिसको
छोड़ बोलते हैं, जो बच्चा होने के बाद में कुछ कचरा और कुछ गंदगी रह जाती है, तो उस स्थिति में भी ये बहुत ही कारगर है। इसका काढ़ा बना करके आप पिला दें और जो प्रसूत रोग होने की संभावना रहती है, माताओं बहनों को बच्चा होने के बाद में कई बार बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पेटियों में सूजन हो जाता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उन सब इन्फेक्शन और सूजन को रोकने के लिए भी यदि आप इस बथुए के 10 ग्राम बीज में थोड़ा अजवाइन मिला करके, थोड़ा सा मेथी अजवाइन और आप ये बथुए का बीज और गुड़ निकाल करके उसको उबाल करके उसमें 10 मूल का काढ़ा भी डाल सकते हैं, उसको मिला करके सुबह शाम पिला दें, 10-15-20 दिन पिला लें। अंदर जो भी यदि कचरा और गंदगी हो, थोड़ी बहुत चोट और इन्फेक्शन हो, पूरा जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। बहुत ही कारगर और बहुत ही निरापद यह प्रयोग है। इस प्रयोग को आप सभी लोग, सभी घरों में, सभी माताएं बहनें विशेष करके बिल्कुल निरापद रूप से, निर्भयता के साथ में सेवन कर सकती हैं। बस ध्यान रखने की आवश्यकता है, बथुआ थोड़ा सा यह गर्भस्राव करता है। जो एनीमिक हैं, जिनको ब्लड की कमी है, वह भी बथुआ का रस निकाल करके यदि पीते हैं नियमित रूप से, बथुए का बहुत ज़्यादा रस लेने से वो दस्त लगा देता है। थोड़ा ध्यान रख लेना, जितना डाइजेस्ट हो जाए 25-50 ग्राम लगभग जूस, इसका रस निकाल करके, और उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं। डाइल्यूट करने के लिए रस में आप थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। पानी निकाल करके यदि आप पीते हैं तो उससे आपको डाइजेस्ट होने में सुविधा रहेगी। यह बहुत ही लाभकारी है। मैंने बताया कि यह पथरी के लिए और गर्भाशयगत दोष के लिए, पीरियड्स के लिए, माता बहने की समस्या के लिए और यकृत के लिए इसका एक और बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। जिनके लीवर के अंदर गांठ हो जाती है, जैसे कई बार अंदर फाइब्रोसिस डेवलप होता है, कैंसर्स की गांठें डेवलप हो रही होती हैं, बॉडी के अंदर कहीं भी गांठ है, उस गांठ को तोड़ने के लिए भी यदि आप पृथ्वी को जड़ सहित तोड़ करके डिब्बे में भर करके रख लीजिए सुखा करके, और आप इसमें से 10 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम को 400 ग्राम पानी में पकाइए, पका करके जब बच जाए लगभग 50 ग्राम छान करके आप पीजिए। यदि छान करके पियेंगे तो अंदर की जो गांठ है वो भी घुल जाएंगे, और ज़्यादा गांठ है तो उसके लिए जैसे हम आयुर्वेद में देते हैं कचनार गुग्गल है या वृद्धिभाटी है, उन गोलियों को भी बथुए के काढ़े के साथ आप सेवन कर सकते हैं तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। तो जो गांठ को घोलने वाली जो दवाइयाँ हैं उनके साथ में भी यदि बथुए का काढ़ा पीते हैं तो जल्दी से इससे गांठ घुल जाएगा, और इससे जो है गांठ घुल करके गांठ की जो समस्या है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो पथरी के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है।